नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है रैप्चर। ये रैप्चर क्या है? बहुत सारे लोग रैप्चर 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 कहते हैं। आज इसके विषय में आज हम सीखेंगे कि रैप्चर सही है या झूठ है, या रैप्चर क्या है, इस विषय को आज हम सीखेंगे। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है क्रिश्चियनों के मुँह से, या बड़े बड़े फादर या पॉप या फिर पास्टरों के मुंह से सुना है, ये जो रैप्चर है ये रैप्चर क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है, क्या ये बाइबल से निकला है या बाइबल का शब्द है या बिब्लिकल वर्ड है? नहीं है ये। और जब हम इसका मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में, रैप्चर यानी कि उत्साह होता है, यानी कि मन की खुशी, अंदर से खुशी जो निकलता है, हैं, गदगद होना, मन में खुशी होना, ये इस शब्द को रैप्चर कहा गया है, है ना। तो ये रैप्चर क्यों जोड़ते हैं क्रिश्चियन लोग, ये रैप्चर क्या है, ये बाइबल में रैप्चर को क्यों जोड़ा जा रहा है, इस विषय को हम थोड़ा गहराई से जानेंगे। दोस्तों, कोई नहीं बताता है कि ये रैप्चर शब्द कहाँ से आया। देखिए, ये इंग्लिश बाइबल का भी शब्द नहीं है, ना ही हिंदी बाइबल का शब्द है। और ये रैप्चर शब्द को स्वर्ग रोहण से जोड़ा जा रहा है। हाँ, अगर हम हमारा जिस दिन उठा लिया जाना होगा, कैच करना होगा, मतलब ऊपर उठा लिया जाना होगा, तो उस दिन हमारा उत्साह का दिन होगा, खुशी का दिन होगा, आनंद का दिन होगा। हाँ, तो आनंद का दिन बोल सकते हैं, है ना, खुशी का दिन बोल सकते हैं। और इसे हम बाइबल से रिलेटेड नहीं जोड़ सकते, है ना, क्योंकि ये बिब्लिकल शब्द नहीं है। और बिब्लिकल शब्द है उठा लिया जाना। तो आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बहुत परेशान रहते हैं कि ये रैप्चर से परेशान रहते हैं कि ये रैप्चर कब होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, हैं, कौन कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, इस प्रकार से वो बहुत टेंशन लेते रहते हैं कि रैप्चर कब होगा, कब होगा, और हम परेशान रहते हैं। दोस्तों, ईसाई लोग जो हैं बहुत परेशान रहते हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेकर के चिंता करते रहते हैं। वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, पता नहीं उनके प्रचारक लोग उनको सिखाते हैं कि नहीं, या समझाते हैं कि नहीं, या वो समझ पाते हैं कि नहीं, ये नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो डरते रहते हैं कि हम स्वर्ग रोहण में उठा लिए जाएंगे कि नहीं, हम स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं, या नहीं जाएंगे, या जाएंगे, ऐसा सोच में ज़िंदगी बिताते रहते हैं और परेशान रहते हैं रैप्चर को लेकर के। दोस्तों, आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बाइबल यीशु मसीह के आने के विषय में क्या कहती है। आइए हम पहला थिसलुनी को निकालेंगे, उसका 4 अध्याय, उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 15 से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार से इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और वैसा ही होगा, ये थोड़ा सा झलक हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा और कैसे करके लोग उठा लिए जाएंगे, है ना, कैच किए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभु के वचनों में हमें एक दूसरे को शांति देने के लिए ये कहा गया है। और इसी विषय को लेकर के, ये रैप्चर के विषय को लेकर के आज जितने भी ईसाई लोगों को भरमाया जा रहा है, गलत गलत वीडियो बनाया जा रहा है, लोगों के मनों में खौफ पैदा किया जा रहा है, और इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी गलत बातें को डाला जा रहा है जो कि बाइबल के अनुसार है ही नहीं बिल्कुल, है ना। और जैसे कि वो क्या एक ठो चिप वाला वीडियो भी बना है, वो मतलब यहाँ पे आप क्यों डर रहे हैं, क्या कारण क्या है, हैं, इस प्रकार से, मतलब आप परमेश्वर के अगर सही भक्त हैं, अगर ईमानदारी से उसकी आराधना स्तुति करते हैं, ईमानदारी से उसकी महिमा करते हैं, ईमानदारी से उसके वचनों पर चलते हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं,
क्यों चिंता कर रहे हैं कि यीशु मसीह कब आएगा, कब नहीं आएगा, कैसे होगा, क्या होगा? इतना डरने की क्या बात है? ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना है, हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करना है। तो आप क्यों डर रहे हैं और बहुत सारे गलत शिक्षा और गलत बातों और गलत वीडियो में फंसे जा रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से ना डरें। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जब तक सुसमाचार सारे जगत में एक एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक जो ये राज्य का सुसमाचार है, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, वो सारे जगत में एक एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। और अगर पहुंच जाता है हर एक कोने में, तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जल्द ही जल्द पूरे संसार में सुसमाचार फैलने वाला है हर एक व्यक्ति के पास, जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके पास भी। तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर जगह फैल रहा है, फैल रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह फैल रहा है, हर चीज में फैल रहा है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, और हर दुनिया में फैल रहा है। तो जल्द ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आप ये चिंता ना करें कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, वो दिन क्या होगा, कैसा होगा, कैसे करेंगे हम लोग, ये इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये सब के विषय में सोचने की ज़रूरत है। बस आप इस चिंता में रहें, इस चीज़ का फिक्र करें कि आप ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को पवित्र और परमेश्वर के प्रति बलिदान करके चढ़ा रहे हैं, और इस प्रकार से आप निश्चिंत रहिए प्रभु के काम को करते करते, परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए, परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए आप अपने जीवन से निश्चिंत रहें। कभी भी आए प्रभु यीशु मसीह, उससे हमको क्या करना है? हम तो तैयार हैं ना, जब भी आएगा हम तैयार हैं, है ना, जब भी आएगा तो हम तैयार हैं, ऐसा सोचना है। जब भी आएगा तो प्रभु ले जाएगा खुद ब खुद हमें, क्योंकि वो हमें देखता है, वो हमें जानता है। मनों का जांचने वाला परमेश्वर वो अंधेरों में भी देखता है, पाताल में भी देखता है, स्वर्ग में भी देखता है, और समुद्र के अंदर भी देखता है, हर जगह देखता है। तो अपने आप को तैयार करें और अपने आप को बनाए रखें, और ये जो रैप्चर वाला जो टेंशन और परेशानी है, ये सभी चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को पवित्र और आत्मिक जीवन में बलवंत बनाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना रैप्चर की सच्चाई, और रैप्चर से परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, और अपने आप को बलवंत बनाना है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में जा करके परमेश्वर का ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, यानी कि बाइबल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, मोटिवेशन क्लास कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.lifeso.co.in, इसमें आप जा करके लॉग इन करें और बाइबल कोर्स के लिए अपना फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मोटिवेशन क्लास भी ले सकते हैं इसमें, और इस प्रकार से हमारे साथ हेल्प ग्रुप में जुड़ करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अब हेल्प ग्रुप क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हेल्प ग्रुप ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा कि जब राजा लोगों को इकट्ठा करेगा, मतलब प्रभु का न्याय का दिन आएगा, तो इस प्रकार से बाएं तरफ प्रभु के लोग रहेंगे, दाएं तरफ दूसरे लोग रहेंगे, इस प्रकार से बोला गया है वहाँ पे, है ना। भेड़ को अलग करेगा और बकरी को अलग करेगा, और पूछेगा उन लोगों को, बोलेगा, जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुधी ली? तो उन लोग कहेंगे जो प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, है ना, तो उन लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब देखा, कब भूखा या नंगा या प्यासा या बंदीगृह में पड़ा हुआ या फिर बीमार पड़ा हुआ देखा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन छोटे में से छोटे लोगों में से के साथ जो तुम करते हो, वो मेरे साथ करते हो। तो प्रियो, यहाँ पे वचन में ये भी लिखा हुआ है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े ना तो काई लगते हैं। क्योंकि स्वर्ग में धन कैसे, कागज वाला नोट देंगे क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, जब हम किसी भिखारी या गरीब को देते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, तो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। कंगालों को दो तो यहोवा को उधार देते हो, परमेश्वर को कर्ज देते हो, है ना। जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। तो हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। वचन में ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग जाने के लिए अपने अधर्म के धन से स्वर्ग जाने के लिए अपने लिए मित्र बना लो। तो ये बहुत सारे वचन हैं जो हमें ये संकेत देती है कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है,
और प्रभु यीशु मसीह भी हमें संकेत देते हैं। तो ये जो हेल्प ग्रुप है इन छोटे में से छोटे लोगों के पास जाता है और उनकी मदद करता है। तो आप भी हमारे साथ मदद कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आप राशन का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, टीवी का बिल, हाँ, और मोबाइल का बिल, पेट्रोल का बिल, ट्यूशन का बिल, घर का किराया, इस प्रकार से हम अपने सांसारिक जीवन को जीने के लिए पैसों पैसों की अंबार लगा देते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए क्या हम कुछ पैसा दान दे सकते हैं? क्या हम उनकी सेवा कर सकते हैं? ये तो आत्मिक जीवन को बलवंत करने के लिए, आत्मिक जीवन को धनी करने के लिए। तो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है प्यारो, ये किसी पास्टर या पॉप या फादर की आज्ञा नहीं है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। अगर आप दान देना चाहते हैं, आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ हेल्प ग्रुप में जुड़ करके आप हमारे साथ प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका अनुदान राशि जो है हम उनके मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए लगाते हैं और हर महीने जा करके उनकी मदद करते हैं। तो आप अपना अनुदान राशि जो भी है अपने सहयोग से हर महीने का थोड़ा सा निकाल करके आप हमारे अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। ये आपके इच्छा अनुसार है, स्वेच्छा अनुसार। और इस प्रकार से हमारा अकाउंट नंबर है स्टेट बैंक का है, हमारा पेपल अकाउंट नंबर भी है। और इस प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप करें, हमें ईमेल करें, और इस प्रकार से आप फेसबुक में अपने बारे में बताएं और लाइव शो के बारे में बताएं। हमारा फेसबुक है, यूट्यूब है, हैं इंस्टाग्राम है, और हमारा ट्विटर भी है। तो इस प्रकार से हमारे हर एक जो भी है सोशल नेटवर्क हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, और आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम सभी आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।